और बिना किसी तमीज के मैं अब एक ऐसे शायर को आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ जो इस मुशायरे का भी सम्मेलन का ज्वाइंट कन्वीनर भी है। जनाब सलीम रहवत साहब से आए सावन का महीना तो गजल होती है, पास बैठी हो हसीना तो गजल होती है, नीले आंखों के समंदर में ठलकते दिल का डूब जाता है सफीना तो गजल होती है, वो काम करते हुए मजदूर की पेशानी से जब समझता है बस शेर के जो फैली मजहबी नफरत मिटाने कौन आए, जो फैली मजहबी नफरत मिटाने कौन, जो फैली मजहबी नफरत मिटाने कौन आएगा, कौन आएगा, सभी बंदे आए क्रब के, जो फैली मजहबी नफरत मिटाने कौन आएगा, सभी बंदे हैं क्रब के, बताने कौन आएगा, अगर हम आपसी झगड़े मिटाकर एक हो जाए, अगर हम आपसी झगड़े मिटाकर एक हो जाए हमारे मुल्क में फिर बस जलाने कौन आए, अगर हम आपसी झगड़े मिटाकर एक हो जाए हमारे मुल्क में फिर बम जलाने कौन आएगा, और कफन ताबूत भी जब सरहदों पे बेचे जाएंगे, कफन ताबूत भी जब सरहदों पे बेचे जाएंगे, वैसी सरहदों पे जान जाने कौन आएगा, वैसी सरहदों पे जान जाने कौन आएगा, और जो तुम हिंदू मुसलमान से अगर इंसान हो जाओ, जो तुम हिंदू मुसलमान से अगर इंसान हो जाओ, अगर इंसान हो जाओ तुम्हारी बस्तियों को फिर जलाने कौन आएगा, जो तुम हिंदू मुसलमान से अगर तुम्हारी बस्तियों को फिर जलाने कौन आएगा, और ये शेर नाटका हो गया तब तो समाज जमाने कि नबी को तुम तो भूले हो, नबी को भूले हो, अरे वाह भाई वाह वाह वाह, क्या नबी को तुम तो भूले हो नबी को तुम भूले तो सरे मैसे बताओ बख्शवाने को, वाह हरे वाह वाह वाह, नबी को तुम तो भूले हो, नबी को तुम तो भूले तो सरे मैसे बताओ बख्शवाने कौन आएगा, और फिर अपने ऊपर कहता हूँ कि तू ही रहकर तू ही आतंकवादी है, ये बता दे कौन आएगा, बच्चों की जबान है उर्दू, आतंकवादियों की जबान है, जब मुझे शायद जरा